फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं अमिता वशिष्ठ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये नमक पारे की रेसिपी। ये नमक पारे बहुत इजीली घर पे बन जाते हैं और घर पे काफ़ी टेस्टी अच्छे बनते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बिना देर किए स्टार्ट करेंगे हमारी रेसिपी गाइस। बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी मैदा, ठीक है? तो जितना मैदा लिया हो ना, उसका 1/4 से थोड़ा सा कम हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। तो मैं ऑयल मिला रही हूँ, रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी ले सकते हैं। सरसों का तेल लेंगे तो उससे स्मेल आ जाती है, तो देख लीजिएगा, सरसों का मत लीजिएगा इसमें। तो मैंने यहाँ पे राइस ब्रैन ऑयल ले रही हूँ, मैं ये डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें, सॉरी, नमक और अजवाइन डालना मैं भूल गई। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कर दीजिए, ठीक है? और इतनी ही आप थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दीजिए। अजवाइन बहुत ज़्यादा मत ऐड करिएगा, थोड़ी ऐड करनी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है? इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतना होना चाहिए कि आपका आटा, अगर आप ऐसे चिपका के देखें तो चिपका हुआ लगना चाहिए, मतलब आपको लगे कि जैसे देखिए ये ऐसे चिपक रहा है, ऐसा आपने मोइन, इतना तो होना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगते। हाँ, पर इतना होना चाहिए कि आप ऐसे उसे करें तो ऐसे जुड़ जाए आटा, ठीक है? अब बाकी इसको, आटे को हम अच्छा सा डो बनाने के लिए हमने लेना है गुनगुना पानी। गुनगुने पानी से आटा काफ़ी अच्छा गूंथता है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एकदम से सारा पानी डाल देंगे ज़्यादा तो डो पतला हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बनके तैयार है हमारा डो। डो ना तो आपका बहुत हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट, ठीक है? अब चाहें तो इसको आधा घंटा आप फ्रिज में रख सकते हैं, और चाहें तो इसको 10 मिनट रेस्ट करवा के इंस्टेंट आप नमक पारे बना सकते हैं। पर मैं इसको 10 मिनट के लिए, अभी रेस्ट के लिए ढक के रख देती हूँ। ये पहले से मैंने थोड़ा सा डो बना के रखा हुआ है, तो अब इसको मैंने ढक दिया है, बंद कर दिया, डाल दिया इसमें, और इसको हम कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। फिर मैं कढ़ाई में अब तेल डालने लगी हूँ। फ्रेंड्स, मैं राइस ब्रैन ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें। सरसों का तेल लेंगे तो उसमें थोड़ी सी महक आ सकती है तेल की, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी रिफाइंड ही लीजिए। अब तेल को हम गरम होने देंगे, पकने देंगे इसे। पर ध्यान रखिएगा कि आपने बहुत तेज गरम तेल में भी नमक पारे नहीं डालने हैं। तो फ्रेंड्स, आटे ने रेस्ट कर लिया है, तो अब हम इसमें से लेंगे एक पोर्शन, ठीक है? इसको बेल लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको हम बेल लेंगे। तो देखिए ये बेल गया है, अब इसको नाइफ से काट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये नमक पारे हमारे कट गए हैं, ठीक है? घर पे बनाइए, एकदम साफ सुथरे अच्छे बनते हैं, जैसे आपको चाहिए, ठीक है? और अगर बच्चों को पसंद हो तो घर पे ही बना के खिलाइए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। तेल गरम हो रहा है, ठीक है? देखिए थोड़ा सा इसमें मैं डाल के देखती हूँ आटा, अगर ये ऊपर आ जाता है दैट मीन्स कि तेल गर्म हो गया। अभी नहीं आ रहा, दैट मीन्स अभी गर्म हुआ नहीं है, तो इसको गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो गया तो केयरफुली हम इसमें जो है नमक पारे डाल देंगे। अगर ऐसे ये गुठली बने हुए हैं तो कोई बात नहीं है, अब जब इसमें तेल गरम तेल में जाएंगे तो हल्का सा चलाने पे ये सेपरेट हो जाएंगे। गैस को कम कर देते हैं, मीडियम कर दिया मैंने इसे, हल्का सा चलाते हैं ताकि नमक पारे अलग अलग हो जाएं।
गैस लो कर देते हैं, तेल गरम है तो अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना, लो फ्लेम पे पकाना है। तो जब तक ये नमक पारे सीख रहे हैं तब तक आप जो है और नमक पारे इसी तरह से बेल सकते हैं गाइस। तो नमक पारों को अब हम चलाते रहेंगे, होने वाले हैं आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया और एकदम से अलग अलग भी दिखाई दे रहे हैं, ये आराम से अलग हो गए हैं। ठीक है, ज़्यादा जल्दी नहीं चाहिए गाइस, जब ब्राउन कलर आ जाए ना इन पे, लाइट ब्राउन सा कलर सब पे, तभी निकाल लीजिए, क्योंकि बाहर निकलने के बाद इनका कलर हल्का सा और डार्क होता है, वो ही एकदम परफेक्ट कलर होता है। तो ये मैंने बाकी के सेम वही प्रोसेस से नमक पारे बेल के काट लिए हैं, आटे को बेल के काट लिया है नमक पारे और बनाने के लिए। इसको भी डीप फ्राई ऐसे ही कर लेंगे और हमारे नमक पारे बन के तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, नमक पारे बन गए हैं, अब इनको मैं निकाल लूँगी, ये ही कलर हमें चाहिए। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे, शुरू शुरू में तेल कम था तो मैंने इसे लो पे बनाया था, जब तेल एकदम ठीक हो गया तो मैंने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर दी। तेल अच्छे से निचोड़ लेंगे, ये मैंने नमक पारे निकाल लिए। तो फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हैं एकदम खस्ता नमक पारे, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ठीक है, जब ठंडे हों तभी इन्हें डिब्बे में भर के रखिए, देखिए कितने अच्छे बने हैं ये अंदर से, एकदम बढ़िया खस्ता। अभी ये गर्म है, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो आप इसे खा सकते हैं, इसको एज ए आप इवनिंग स्नैक खाइए, कोई गेस्ट आए तो आप उसके आगे सर्व कर सकते हैं, और घर पे बिल्कुल मेहनत इसमें ज़्यादा नहीं लगती, बनके तैयार हो जाते हैं बहुत जल्दी से। तो गाइज, ये थे बढ़िया नमक पारे घर के, जो रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर किया। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज, और मिलेंगे बहुत जल्दी नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।